सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा.com में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैट समोसे। बनाने में आसान नहीं है, बनाने में दिक्कत है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। मैट समोसा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हम एक पतीला लिए हैं और पतीला में 1 कलसी तेल, 2 कलसी तेल, 3 कलसी तेल, आपका जितना किलो मैदा हो उतना कलसी ये तेल डालें। लगभग ये 150 ग्राम की लगभग ये कलसी है, 10 ग्राम 5 ग्राम कम ज़्यादा। और यहीं पे हम अजवाइन डालते हैं 1 बड़ा चम्मच। यहीं पर नमक डालते हैं हम स्वाद अनुसार, या 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए मैदा है 3 किलो, यानी कि आपका 3 किलो मैदा हो तो 3 कलसी बड़ा कलसी से तेल डालें, 4 किलो मैदा हो तो 4 कलसी तेल डालें, 5 किलो मैदा हो तो 5 कलसी तेल डालें। आप इसका नमक पारे, मठरी, समोसे, जो कुछ आप तीनों चारों में से कुछ जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं आप। लेकिन इसका गूंदने का तरीका थोड़ा दिक्कत है। गूंदने के तरीके में इसको पहले जो आप तेल अजवाइन डाले हैं उसको बढ़िया से मिला दें, उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल डाल के मिलाएं इसको। ये मतलब इसको अगर गूंद रहे हैं तो कम से कम, अगर 2 किलो भी गूंद रहे हैं तो 10 मिनट टाइम आप खर्चा कीजिए कम से कम। अगर 5 किलो गूंद रहे हैं तो आप कम से कम आधा घंटा खर्चा कीजिए इसके पीछे। ये देखिए, हमने आलू उबाल लिया है, हरा मटर छुड़ा लिया है, और यहीं पे मसाले में हमने लिया है लाल मिर्च है 1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। इधर हमने ये प्याज काट लिया है बारीक बारीक, और यहीं पे देखिए तड़के में हमने हरा लहसुन लिया है, 2 जड़ वाली लहसुन, 2 लहसुन का जड़ है, मैंने 2 लहसुन के पौधे, और जीरा 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा हींग, 4-5 तेज़पात और 10-12 हरी कटी हरी मिर्च। देखिए कल से हमने तेल डाल दिया है, कढ़ाई गरम कर दिया, इसी में तड़के में हींग, जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। ये तड़का हमारा थोड़ा सा तड़क जाएगा, इसी में हम डालेंगे ये 10-12 जो हमने हरी मिर्च काट के रखे थे, और 2 पौधे लहसुन के हरे जो हमने बारीक बारीक काट रखा था वो भी इसमें हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, भूनने के बाद इसी में हम प्याज डालते हैं। प्याज को इस तरह बारीक बारीक कटा हुआ डालें, ये प्याज 2 बड़ा है, 2 साइज का, और उसी में हम डालेंगे 1/2 किलो मटर, हरी मटर छुड़ाया हुआ 1/2 किलो, क्योंकि समोसे में हरा मटर डालने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। आप पनीर भी डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। और यहीं पे 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मटर को बढ़िया से भून लेंगे हम, प्याज मटर को भून लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट को भून लेंगे, और यहीं पर जो हमने मसाले लिए थे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर, थोड़ा गरम मसाला, उसको भी यहीं पे हम डाल देते हैं। और यहीं पे हम डालते हैं देखिए ये आलू, आलू उबला हुआ है, नया आलू है, इस वजह से इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से धो लें और धो के इसका बढ़िया से मैश कर दें, इसी में फोड़ फोड़ कर डाल दें। और इस ऐसे मैश कर दें, जब आलू पुराना हो जाता है तो छिलका, अभी छिलका इसका पतला होता है, इस वजह छिलने में दिक्कत होता है, तो इस वजह से हम आलू को अभी जब 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 तक नया आलू होता है 1-2 महीने तक, तो आलू को हम छिलते नहीं हैं। इसके बाद तो पूरे सालों आलू छिलना ही होता है, क्योंकि छिलका जब मोटा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। आलू हमने फोड़ दिया है, इसमें डाल दिया है 3 किलो आलू है, और यहीं पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं,
और बहुत सारा धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसको बढ़िया सा हम मिला देंगे, क्योंकि एक समोसा, मैट समोसा ऐसा समोसा है जिसमें बहुत कम आलू लगता है बाकी समोसों के हिसाब से, क्योंकि मैट समोसा में इतना जगह नहीं बन पाता है कि हम ज़्यादा आलू डालें। समोसा तो हमने आपको दो तीन तरह से बनाना बता दिया है, और भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमें आए वो आपको ज़रूर बताएं हम। ये देखिए, जब भी ये बेलेंगे तो ये आपका मैदा बढ़िया गूंदने का निशानी है कि किनारे किनारे से फटेगा। ये देख रहे हैं, जहाँ तहाँ किनारे से फट रहा है ना, इसका मतलब कि मैदा बढ़िया गूंदा है। इसको बढ़िया से चौरस बनाना है हमें, ताकि इसका हम मैट समोसा बनाने के लिए, देखिए तो इसको चौरस करते हैं हम। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे इस तरह से हमें काटना होता है कि कम से कम वेस्ट निकले और आपका चौरस वो ये बन जाए। अब चाहें तो इसको थोड़ा और भी बेल के और इसको और भी ठीक ठाक कर सकते हैं, जिधर 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 एक तरफ, इधर जिधर अब कम है उधर बेलन से इसका दो पार्ट कर दें। दो पार्ट करने के बाद एक पार्ट को आप उठाएं, और यहाँ पे ये देखिए हमने ये थोड़ा सा घोल तैयार कर रखा है मैदे का, जो कि इसको चिपकाने में काम आएगा। देखिए यहाँ से हटा दिया हमने और इसको ऐसे हम लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा हाथ से खींचते हुए लगाएं और इसको चिपका दें। और इसका देखिए लाइन काटना होता है, अगर जितना लाइन आप इधर से काटेंगे उतना ही लाइन ये फिर इसके राइट हैंड में काटना होता है आपको, पहले आगे काट दें फिर ये राइट हैंड में काटना होता है, मतलब लगभग बराबर आप काटेंगे तभी आपका ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगे। तो देखिए समोसा इसमें फिलिंग बहुत कम होती है, देखिए थोड़ा सा समोसा भरना होता नहीं तो फट जाएगा समोसा आपका ज़्यादा भरेंगे तो। अब देखिए हमने उधर घोल तैयार करके रखा है, तो इसकी तरफ जिधर आप काटे हैं उस तरफ घोल लगा दें और इसको खींचते हुए ये देखिए ऐसे चिपका दें, ये हाथों से दबा दें इसको पहले, और आलू को भी थोड़ा दबा दें। इधर इसके दूसरे अपोजिट तरफ ये देखिए जिधर जिधर हमने काट रखा है ये लाइनिंग, उस तरफ देखिए थोड़ा खींच के थोड़ा साइज बढ़ाएं इसका, हल्का सा मैदा खींचेंगे तो इसमें खींचने का मार्जिन होता है, आप खींच के थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ दबा के फिर उधर भी दबाएं और इधर भी दबाएं। ये देखिए ऐसे, अब क्या करना होता है ये इस तरफ मैदा लगाना होता है यहाँ से वहाँ तक, ये देखिए एक जगह लगा दिए। ये आप जितना बनाएंगे उतना ही आपके हाथों में फिनिशिंग आता जाएगा, और देखिए अब इस तरफ भी मैदा लगा दें यहाँ से वहाँ तक, जितना आप जितना एक समोसा बनाएंगे तो फिनिशिंग कम आएगा आपके हाथों में, दो समोसा बनाएंगे ये देखिए हमारा फिनिशिंग इसमें कम आ रहा है ना, अगला समोसा आपको हम दिखाते हैं बना के, ये देखिए इसमें मैट बनता जाएगा, देख रहे हैं ये मैट बनता जाएगा आपका, और आपके मैट वाले समोसे भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसमें लग रहा है आपको कम फिनिशिंग है ना, अगले समोसा में देखिएगा बहुत बढ़िया फिनिशिंग आता है, इसीलिए आपसे बता रहा था कि थोड़ा बनाना में थोड़ा दिक्कत है, टाइम थोड़ा लगता है, ख़राब होता है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार, क्योंकि इतना इसके परतें कट जाती हैं कि बिल्कुल कुरकुरा समोसा हो जाता है ये। देखिए आपका मैट बन के तैयार हो गया, इस तरह से आप बनाएं मैट वाला समोसे, बड़ा ही मज़ा आता है। अब इसको हाथों पर उठा लें और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा कम दिख रहा है उसको इसका दबा दें बढ़िया से, इसका थोड़ा सा कि फेस इसका बढ़िया लगे, देखिए मैट जैसा लग रहा है आपको, इस तरह से बनाए आप मैट वाला समोसा। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसको कोशिश करते हैं हम कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो अपलोड करें, और जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसका वीडियो जल्दी जल्दी हम अपलोड करें। ये देख लीजिए, चारों तरफ से कोशिश करना है कम से कम किनारे निकले, और इसका चौरस टाइप बनाना होता है कि दोनों तरफ का मत्था बराबर हो, आगे पीछे की चौड़ाई बराबर हो इस तरह से, और ये दोनों बराबर काटना होता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैदा लगाएंगे हम अभी, देखिए
ऐसे मैदा उठाया, फिर थोड़ा सा लगा लिया, और फिर आप थोड़ा सा पहले काट लें, उसके बाद फिलिंग को डालें। आप इधर जितना काटे उतना उधर काटना होता है, ऐसे कि बराबर बराबर आपका मैट बनेगा। देखिए हमने आलू रख दिया है और मैदा लगा लिया है, देखिए इधर से हम लगा रहे हैं, और यहाँ मैदा लगाएंगे और इधर का पर्सन उठाएंगे, थोड़ा सा हाथों से खींचते हुए, थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ाते हुए इस तरह से बनाएंगे आप, तो आपका मैट समोसा बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक लगा दें, और इसको भी थोड़ा सा खींचते हुए नीचे तक लगाना होता है, एक इधर से उठाएं एक दूसरे तरफ से उठाएं। ये देखिए देखिए हमारा मैट समोसा बन के तैयार। इसी तरह से आप सारे समोसे बनाएं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है समोसा ये वाला। बाकी सारी मेथड वही है, जो पुराना मेथड है वही है। ये देखिए इस पर हम थोड़ा बढ़िया लगने के लिए ये थोड़ा सा हल्का सा एक पिंच हमने रेड ऑरेंज कलर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको और सुनहरा बनाने के चक्कर में हम इसको एक एक पिंच देखिए लगा दिए हैं यहाँ पे बीच में सेंटर में। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा, तो इस तरह से बनाएं मैट वाला समोसे, और हमें ज़रूर बताएं कि आपका मैट वाला समोसा कैसा बना। कढ़ाई में डालने के बाद इसको कम से कम 15 मिनट लगता है पकने में। अभी गैस का फ्लेम मीडियम है, अब डाल दिया, अब इसका गैस का फ्लेम थोड़ा और बढ़ा दें, और जब एक तरफ से पक जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दें। अगर हमारी मैट समोसा की वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। इस समोसा को भी हम 10 रुपये का एक पीस बेचते हैं, और इसको हरी चटनी, मीठी चटनी, जिस चटनी से आपको पसंद आता है उस चटनी से आप सर्व करें, खाएँ, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए राम राम जी।